हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। आप देख रहे हैं हल्का हलचल में अगले आधे घंटे तक आपको लेकर चलेंगे, आपके ही हलके में लाइव सुबह सुबह हर हलचल हर अपडेट के लिए। सबसे पहले चलेंगे जगदीश प्रजापति के पास, कालावली से हमारे संवाददाता जुड़ गए। प्रकट कराइए जगदीश को। देखिए जगदीश जी प्रकट हो गए। जगदीश जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी गौरव गुड मॉर्निंग, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर हम मौसम की बात करें तो कल की बारिश के बाद आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि कोहरे की चादर जो हुई है। चलिए कोहरे की बात की, मौसम की बात की, और देखिए मौसम ने अपना असर लगता है दिखा दिया है। नेटवर्क में कुछ इश्यू आ गया, फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तब तक अनूप कुंडू के पास चलते हैं, उकलाना। अनूप कुंडू को प्रकट कराइए। अनूप गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग गौरव जी, मैं बहुत अच्छा हूँ। और सर्वप्रथम आपको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारे दर्शकों को भी। आपको भी मकर संक्रांति की बहुत शुभकामनाएं। और मौसम कैसा है? कहते हैं मकर संक्रांति के बाद से मौसम बदलना शुरू होता है, ठंड कम होती है, कुछ सुगबुगाहट ऐसी लग रही है क्या आपको? नहीं गौरव जी, अगर आज की बात की जाए तो मौसम में घना कोहरा छाया हुआ है, धुंध बड़ी तेजी के साथ गिर रही है। और आज मकर संक्रांति का त्योहार है, यहाँ पर मेरे आसपास के बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पर कुश्तियों का मेला लगता है। बड़ा गांव पावड़ा है जहाँ पर कम से कम 30-30, 40-40 गांव के पहलवान इकट्ठे होकर के पहलवानी करते हैं। आज कोहरा छाया रहेगा लेकिन पहलवानों का दमखम देखने को जरूर मिलेगा गौरव। पहलवानों का दमखम देखने को मिलेगा, और क्या देखने को मिलेगा आज? क्या हलचल होने वाली है आपके यहाँ आज? आज जो मकर संक्रांति पर बिठमड़ा गांव में राज्य मंत्री का कार्यक्रम रहेगा, उसके अलावा जो उपायुक्त हिसार है डॉक्टर प्रियंका सोनी, उन्होंने आदेश किए हुए थे कि टोहाना जाने वाली, हिसार से टोहाना जाने वाली सभी बसें उकलाना होकर के जाएंगी, लेकिन उनके आदेशों की धज्जियां उड़ाती हुई कल से दिखाई दे रही है, जिस पर हरियाणा न्यूज ने बड़ी कवरेज की है, उस पर भी आज लगातार निगाह बनी रहेगी। जी गौरव, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि आज संक्रांति है और ये जो मौसम है इसमें माना जाता है कि सब्जियों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा लोग करते हैं, हरी सब्जियों का हर साल, क्या लगता है आपको कि सब्जियों की कीमतें इतनी आई हैं नीचे कि जैसे हर साल लोग बहुत ज्यादा मात्रा में हरी सब्जियों का, गाजर का हलवा बन रहा होता था और खिचड़ी बन रहा है तो गोभी साथ में पक रहा है, तो इन सब की कीमतें नीचे आ गई हैं? नहीं गौरव, अगर बात की जाए तो प्याज की, तो प्याज जैसे पहले 100 से 120 था लेकिन फिलहाल 70 से 80 रुपए किलो तक आया है। लेकिन हरी सब्जियों की अगर हम बात कर ले तो हरी सब्जियां काफी महंगी है, क्योंकि पहले मकर संक्रांति के आसपास जो गाजर के रेट होते थे, जिसका आप हलवे की बात कर रहे हैं, वो लगभग 4-5 रुपए किलो रहती थी, जो आज 30 से 35 रुपए किलो तक बिक्री में आ रही है। हरी सब्जियों के रेट बहुत महंगे हैं। जी गौरव, चलिए अनूप बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अनूप कुंडू जुड़े थे, अब आपको लेकर चलते हैं कैथल, जहां से विपिन शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। देखिए प्रकट हो गए हैं विपिन आपके स्क्रीन पर। विपिन गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, आपको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बहुत शुभकामनाएं। मौसम कैसा है? जी बता दें कि मौसम जब बारिश और ओलावृष्टि होने के बाद तापमान में गिरावट आई है और 5 डिग्री तक पहुंच गया है न्यूनतम तापमान, परंतु आज सूर्य देवता ने प्रकट होकर एक बार फिर एक संदेश दिया है कि आज मौसम थोड़ा ठीक रहने वाला है। ठीक है, मतलब सूर्य देवता प्रकट हो गए हैं आज? हाँ जी बिल्कुल, सूर्य देवता आज प्रकट हो गए, लोगों को से रात मिली क्योंकि कल ठंड काफी बढ़ गई थी। रही बात ओलावृष्टि की, काफी ओलावृष्टि हुई है कैथल के इलाकों में, खासतौर पर सीवन के इलाकों में जहां पर सब्जी की ज्यादा उगाई जाती है, सब्जी का हब बताया जाता है इसको, ऐसे सब्जियों को काफी नुकसान भी बताया जा रहा है। और जिस तरीके से सब्जियों के दाम कम हुए थे, अब मुझे लग रहा है कि फसलों के नुकसान से सब्जियों के दाम में फिर तेजी आएगी और फिर दाम बढ़ने वाले हैं। ठीक है,
खबरों के लिहाज से अगर हम बात करें तो कैथल में आज क्या हलचल रहने वाली है? आज हिंदू संस्थाएं जो है कैथल के अंदर मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में काफी आज प्रोग्राम शहर के अंदर आयोजित हो रहे हैं। और दूसरा अंबेडकर कॉलेज के अंदर आज एनएसएस का शिविर का आयोजन है। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत क्रायत के अंदर आज शिविर रक्तदान शिविर लगाया जाएगा। और नगर पालिका के तहत डाउन रोड के ऊपर सफाई अभियान चलाएगी। सफाई अभियान का नगर पालिका का मतलब होता है कि एनफोर्समेंट हटाएगी, तो डाउन रोड के ऊपर जिन लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है वो हटा ले वरना नगर पालिका अपना एक्शन लेगी। ठीक है, जल्दी से आलू प्याज की कीमतें बता दीजिए। ये आलू जिस तरीके से कल 20 से 25 रुपए था तो आज हम मान सकते हैं कि कम से 5 से 10 रुपए बढ़ेगा और प्याज की कीमत 60 रुपए तक फिर दोबारा पहुंचेगी। चलिए बहुत शुक्रिया। कैथल के बाद अब बारी है बल्लभगढ़ की। बल्लभगढ़ से राजेंद्र दहिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र प्रकट हो गए हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। राजेंद्र गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गौरव जी नमस्कार, मैं अच्छा हूं, आप सुनाइए आप कैसे हैं? मैं भी बहुत शानदार हूं। मकर संक्रांति की बधाई हो आपको, शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद जी। ठीक है, मौसम कैसा है? मौसम की बात करें गौरव, तो देर रात हल्की बरसात आई है और अचानक जो मौसम ने करवट ली है कहीं ना कहीं इससे ठंड में बढ़ोतरी हुई है और दोबारा से एक बार ठंड फिर से लौट कर आ गई है। ठीक है, और खबरों के लिहाज से आज क्या रहने वाला आपके यहाँ? खबरों की बात करें तो आज जो पंजाबी समिति द्वारा यहाँ पर एक कंबल वितरण समारोह रखा गया है, जो गरीब जो असहाय लोग हैं उनको कंबल वितरण किए जाएंगे और कहीं ना कहीं जो कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा वो लोगों की समस्याएं अपने कार्यालय पर सुनेंगे। और इसके अलावा पृथला में नयनपाल रावत हैं पृथला से विधायक, वो अपने कार्यालय पर लोगों की समस्याएं भी सुनेंगे आज भी। ठीक है, और हरी सब्जियों आलू प्याज की कीमतों में कोई फर्क आया? बिल्कुल गौरव जी, प्याज की कीमतें घट गई हैं, 40 रुपए तक प्याज आ गई है और कहीं ना कहीं सब्जी में कुछ कमतर अब जो रेट है वो हो गए हैं और लोगों को कुछ ना कुछ राहत जरूर मिलती नजर आ रही है। चलिए बहुत शुक्रिया। राजेंद्र दहिया हमारे साथ जुड़े थे बल्लभगढ़ से। अब इसके बाद आपको लेकर चलते हैं रतिया, जहां से अशोक ग्रोवर हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए। अशोक ग्रोवर देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर प्रकट हो गए हैं। अशोक गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग गौरव जी, कैसे हो आप? मैं अच्छा हूँ। मौसम कैसा है आपके यहाँ? देखिए गौरव जी, जहां तक मौसम की बात है, कल रतिया एरिया में जहां बरसात पड़ी रुक रुक कर उसके साथ ओलावृष्टि हुई जो कि किसानों के लिए काफी नुकसानदायक है। कई गांवों में काफी मात्रा में ओलावृष्टि हुई थी और उसके बाद जो ठंड और ज्यादा बढ़ चुकी है, अभी सुबह से ही कोहरा पड़ रहा है, धुंध काफी छाई हुई है जी। ठीक है, और खबरों के लिहाज से अगर बात करें तो आपके इलाके में आज आपके हलके में क्या हलचल रहने वाली है? खबरों की जहां तक बात है, कल एक बरसात के कारण जो प्रदर्शन होना था जाखण दादी प्रेमनगर गांव में वो आज होगा, क्योंकि गांव के लोगों की जो सबसे बड़ी समस्या है विकास और सरपंच द्वारा भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसको लेकर आज प्रदर्शन होने वाला है अभी कुछ देर बाद जी। ठीक है, और आलू प्याज की कीमतों और हरी सब्जियों की कीमतों में कुछ बदलाव आया, कुछ कमी आई? हाँ, जहां तक प्याज की बात है, प्याज 40 और 50 रुपए के किलो तक आ चुका है, आलू है वो 20 रुपए के ऊपर अटका हुआ है, जहां तक टमाटर की बात है वो 25 रुपए किलो बिक रहा है जी। चलिए, लगता है कोई आपका मित्र आया घर के बाहर हॉर्न बजा रहा है, आप जाके देख लीजिए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए एक बार फिर से जगदीश प्रजापति हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगदीश जी को यहां प्रकट कराइए भाई। जगदीश जी, खबरों के बारे में बताइए, आज क्या है खबरें आपके यहाँ? जी गौरव, आप देख पा रहे हैं कि मौसम जो कोहरे की चादर है वो कहीं ना कहीं ओढ़ी हुई है मेरे पीछे, आप देख पा रहे हैं मौसम में कुछ भी देखना संभव नहीं। अगर खबरों के लिहाज से बात की जाए तो आज मकर संक्रांति है, मकर संक्रांति पर यहाँ गुरुद्वारों व मंदिरों में लगभग लोगों का आना जाना लगा हुआ है, माथा टेकने की जो भीड़ है वो लगी हुई है। अगर दूसरी ओर राजनीतिक हलचल की बात करें तो नेता अपने अपने प्रस्थान पर है, रामनवमी का दिन है और राम वो सबसे ले रहे हैं लोगों से जी गौरव। चलिए, सियासी खबरों में और कुछ है आज?
जी गौरव बिल्कुल, अगर डबा वाले इलाके की बात करें तो आज उपायुक्त महोदय लगभग 12:30 बजे उपमंडल कार्यालय का निरीक्षण करेंगे और वहां पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वह मेरी फसल मेरी मेरा ब्यौरा की जानकारी लोगों को देंगे और उस पर समीक्षा भी की जाएगी। अगर दूसरी ओर कलावाली एसडीएम की बात करें तो उन्होंने परसों कल भी जो दुकानों पर चाइनल डोर है जिस पर प्रतिबंध है उस पर अपने रेड की थी लेकिन आज भी कहीं ना कहीं वो चेकिंग करने वाले हैं। जी गौरव, चलिए बहुत शुक्रिया जगदीश आपका। तो जगदीश प्रजापति हमारे साथ जुड़े थे कालावली से, लेकिन अभी आपके हलके में अगर हम नहीं पहुंचे हैं इस बुलेटिन में तो आप इंतजार करिए, बस एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पार चलेंगे आपको लेकर आपके ही हलके में सुबह सुबह लाइव। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। भाई आज संक्रांति का दिन है और अगर आपको धर्मनगरी न ले चलें तो ये बेईमानी हो जाएगी। भारत साबरी के पास लेकर चलते हैं धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में। भारत साबरी को प्रकट कराइए, चलिए भारत साबरी, ये स्नोमैन बनके भारत साबरी जो है वो प्रकट हो गए हैं। सफेद सफेद पीछे बैकग्राउंड और सफेद सफेद कपड़े पहन के भारत साबरी। गुड मॉर्निंग भारत, कैसे हैं आप? भारत आपको आवाज मिल रही है? हाथ खड़े करके बताइए आवाज मिल रही है आपको? चलिए लेते हैं, उनकी ऑडियो नहीं आ रही है हम तक, इसको ठीक कराइए फिर हम भारत तक आते हैं। भारत आपकी ऑडियो नहीं आ रही लेकिन आपके पास लौट कर आएंगे, क्योंकि धर्मनगरी कुरुक्षेत्र जाना आज बनता है। आज संक्रांति का दिन है और लोग स्नान करने के लिए जाते हैं। भारत साबरी का ऑडियो ठीक करिए भाई, तब तक हम फरीदाबाद हो आते हैं, कुरुक्षेत्र चलेंगे उसके बाद। राजा पटेल को प्रकट कराइए, ये देखिए राजा पटेल प्रकट हो गए हैं। राजा गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग गौरव जी, मैं बिल्कुल ठीक हूं। और मौसम? मौसम गौरव, मौसम की बात करें तो कल से ही फरीदाबाद में बारिश हो रही है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अभी भी जो आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, कल रात से ही फरीदाबाद में बारिश हो रही है। जो लोहड़ी का त्योहार जो लोग मना रहे थे, कहीं ना कहीं उनका त्योहार किरकिरा हो गया, क्योंकि कल शाम 8 बजे से ही लगातार फरीदाबाद में बारिश का सिलसिला जारी है। आज सुबह भी हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई पर अभी बादल छाए हुए, फिलहाल बारिश रुकी हुई है क्योंकि तेज हवाएं चल रही है। जी गौरव, ठीक है राजा, एक आप ही हैं जो सुबह सुबह आसमान के दर्शन करा देते हैं। चलिए ये बताइए खबरें क्या रहने वाली हैं आज आपके यहाँ? जी बिल्कुल, देखिए गौरव, जिस तरीके से फरीदाबाद के सबसे बड़े हॉस्पिटल में साफ तौर पर इतनी बड़ी लापरवाही आई और एक साल में 125 बच्चों की मौत हुई, इसको लेकर हम अलग अलग विधानसभाओं के जितने भी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वहां पर जाके बच्चों के लिए क्या क्या फैसिलिटीज सरकार दे रही है वहां पर आज जाके उनके हॉस्पिटलों का रियलिटी चेक करेंगे। जी गौरव, चलिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुकेश मंडल हमारे संवाददाता अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, सियासी खबरों पर इनसे पूछ लेते हैं हालचाल। मुकेश, ये देखिए प्रकट हो गए हैं मुकेश आपके स्क्रीन पर। मुकेश गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बढ़िया गौरव, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? मैं भी अच्छा हूँ। संक्रांति का दिन है, आपको बधाई, आपके परिवार को बधाई। क्या क्या खास बन रहा है खाने के लिए आज? बधाई आपके परिवार को, बधाई। क्या क्या खास बन रहा है खाने के लिए आज? देखिए गौरव, खाने की बात करें तो जो विधिवत तरीके से अपने यहाँ बनता है वो तो बन ही रहा है। खिचड़ी की बात कर ले हम, चाहे तमाम मिठाइयों की बात कर ले, वो सारे सामान तो है ही, लेकिन जब हम सियासत की बात करें तो सियासत में भी खिचड़ी ही नजर आ रहा है, क्योंकि दिल्ली का आप देख रहे हैं जिस तरह से विधानसभा चुनाव है और जेजेपी बीजेपी चाह रही है गठबंधन से हम चुनाव लड़े, और बीजेपी फिर से चाह रही है जिस तरह से प्रदेश में हमने गठबंधन की सरकार बनाई है और किंग मेकर की भूमिका निभाई है मैंने, उसी तरह से बीजेपी जेजेपी चाह रही है दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी किंग मेकर की भूमिका में आए। लेकिन हालांकि वो सीट भी जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है 5 से 6 मांग रहे हैं, लेकिन बीजेपी साफ तौर पर कह रही है, अंदर खाने से खबर है कि 1 से 2 सीटें हम आपको दे सकते हैं, ज्यादा नहीं दे सकते। हालांकि बाद की बातें हैं कितनी सीटें मिलती है नहीं मिलती है। हालांकि मुख्यमंत्री ने कल क्लियर कह दिया कि दुष्यंत चौटाला की मुलाकात बीजेपी के आला हाईकमान से हो गई है और ऐसे में माना जा रहा है जल्द ही गठबंधन की जो खबरें हैं अब वो सबके सामने आ जाएगी और सीटों का बंटवारा भी तय कर लिया जाएगा कितने सीटों पे जेजेपी चुनाव लड़ेगी बीजेपी के गठबंधन में। तो कहीं ना कहीं जो बाहरी सीट है, मैं जैसे पहले दिन से ही कह रहा हूँ, उनपे सबकी नजर बनी हुई है, चाहे बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, जेजेपी की बात करें, तमाम सियासी दल है
जो बाहरी सीटों पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन इसके अलावा एक और खास बात की बात करें गौरव, जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे जो प्रदेश अध्यक्ष कब बदला जाएगा, नया प्रदेश अध्यक्ष कब मिलेगा बीजेपी को, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने क्लियर कह दिया कल कि 15 फरवरी से पहले मिल जाएगा, यानी कि अभी से एक महीने बाद। ऐसे में सवाल ये उठता है। हाँ मुकेश, बहुत शुक्रिया आपका, और जो अच्छा अच्छा खाना मिले वो ऑफिस भी लेके आइएगा। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। अब जरा एक बार फिर से कुरुक्षेत्र चलते हैं, शायद भारत साबरी की ऑडियो जो है वो ठीक हो गया है। भारत, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, धर्मनगरी है, लोग आस्था की डुबकी लगा रहे होंगे, क्या तैयारियां? चलिए, भारत ने माइक नीचे कर दिया, इसका मतलब ऑडियो उन तक पहुंच नहीं रही है। चलिए, ये वादा जो है हम अगले किसी बुलेटिन में आपको पूरा करेंगे, कुरुक्षेत्र लेकर चलेंगे और आपको बताएंगे कि आस्था के नगरी धर्म नगरी में आज संक्रांति पर क्या हलचल है, वो आपको बताएंगे जरूर। लेकिन फिलहाल हल्का हलचल में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।